राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव वैभव उपाध्याय आज एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान जिले के आमेट पहुंचे, जहां पार्षद प्रदीप सिंह, सुरेश खींची, प्रकाश कटेल व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महासचिव वैभव उपाध्याय आमेट हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्तियों को कर रहे छात्रों की भूख हड़ताल धरना स्थल पहुँचे, जहाँ उन्होंने मौके पर भूख हड़ताल पर बैठे 5 छात्र संगठन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कॉलेज की वस्तु स्थिति जानकारी ली, जहाँ उन्हें नियुक्तियों की मांग को लेकर हड़ताल करने की जानकारी दी, जहाँ महासचिव द्वारा छात्रों की वाजिब मांगों को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री समक्ष रखकर जल्द नियुक्त करने की बात कही और अनशन तोड़ने का आग्रह किया, जिस पर छात्रों ने नियुक्त तक धरना जारी रखने की बात कही, जहाँ महासचिव वैभव उपाध्याय ने मौके पर ही कॉलेज प्रिंसिपल से मुलाकात कर कॉलेज में पड़े रिक्त पदों की जानकारी ली। वहीं मीडिया को जानकारी देते कहा कि आज ही मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री व कुलपति से बात कर नियुक्ति करवा दी जाएगी और छात्रों का अनशन तोड़वाया जाएगा। महासचिव वैभव बाद में उदयपुर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर 7 नगरपालिका पार्षद प्रदीप सिंह राठौर, सुरेश खींची, प्रकाश खटिक ने भी धरने पर बैठे छात्रों से अनशन तोड़ने का आग्रह किया। सबसे पहले छात्रों की जो मांगे हैं उसको उच्च अधिकारियों और वाइस चांसलर और शिक्षा मंत्री तक पहुंचा पाए, उसके बाद उनसे विनती रहेगी मेरी कि जो इनकी मांगे उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए और जो भी इनका प्रॉब्लम है उसको, समस्या को सुलझाया जाए। उसी के रिगार्डिंग मैं आज छात्रों से भी मिला हूँ और कोशिश ये रहेगी मेरी कि छात्रों को भी समझाया जाए कि वो अपनी मांगों को ख़त्म करें, उनका अनशन को ख़त्म करें और उसके बाद उनकी जो मांगे हैं वो ऊपर तक पहुँचे और उसका निवारण हो जल्दी से जल्दी, ये मेरी सर्व प्राथमिकता रहेगी। उसी के रिगार्डिंग मैं आज छात्रों से मिल के आया हूँ और मिलने के बाद ये अभी मैं वाइस चांसलर के पास भी जाने वाला हूँ, MLSU के, उनसे मिलने वाला हूँ और उनसे ये निवेदन रहेगा कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।